94 95 में जब मैं विधायक था, मैंने जब देखा कि ये जंगलात की जमीन जो है, नानक सागर से जो लोग आए हैं पीलीभीत के अंदर, टाटरगंज हो, कंबोद नगर हो, टिल्ला नंबर 4 हो, टिल्ला नंबर 1 हो, टिल्ला जिसे कहते हैं, यहां पर जो 163 परिवार वहां से आए थे, इनके साथ खिलवाड़ हो रहा था। वहीं पर मैंने देखा कि आपके यहां साइट पे जहां ब्रह्मनगर की बात करते हो, वहां पर जो है हरिनगर है, बाजपुर है, मदनपुर पटेरा है, इन सब गांव में खिलवाड़ हो रहा था। तो मैं मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री से मिला, उनसे बात करी। उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं कि पूरी दुनिया को मालूम चलता था कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। उनसे बात करी और उसके बाद में हमने जो है उनसे कहा, ऐसा ऐसा हो रहा है, अधिकारी आपकी जानकारी में हो या नहीं हो, किसान के पास जाते हैं, तुम जंगलात की जमीन पे बैठे हो, पैसा लेके निकल जाते हैं। उनकी समझ में आई, उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसमें रास्ता निकालता हूं। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक दिक्कत हमें शारदा जी पे और है, जो जमीन शारदा जी के अंदर चल जाती है, उनके घर टूट जाते हैं, और उस समय पता नहीं कितने घर सिखों के टूटे थे, हजारा के आसपास। हमने कहा कि इनको घर बनाने की, इनको पैसे दिए जाए, जमीन दी जाए, कॉलोनी बाहर बनाई जाए। उन्होंने कहा ये तो पूरे देश में होता है, तो तुम्हारे यहाँ खास नहीं है। तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ, मुलायम सिंह जी के खिलाफ, मैं एमएलए था उस समय, समाजवादी में पूरी जनता दल चली गई थी, मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से आदेश बनाया, और आज भी रोधपुर में जाके देख के आओ, वो सिखों की कॉलोनी बनी है, तकरीबन देहात में सबसे बढ़िया कॉलोनी बनी हुई है। 10-10 हजार रुपये कोर्ट ने दिलवाया, एक एक घर उस समय बनाने का प्लॉट उनको दिया गया, हमने कभी जिक्र नहीं किया। उसके बाद में मुलायम सिंह जी शारदा पार के चक्कर में संपूर्णा नगर आए, क्योंकि हमने कोर्ट के अंदर दावा डाल दिया जिसमें ये था 10-10 हजार वाला, हमने साथ साथ करा दिया कि यहां पर बंद नहीं लगा रहे हैं ये। कोर्ट के आदेश के बाद 3 करोड़ रुपए के बंद लगे थे वहां पर, छाता ले लेके 8 SC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, 12 से लेके 24 24 XCN, यही तो पता नहीं कितने थे, दिन रात घूमते थे बादशाह के अंदर शारदा पार के लोगों को बचाने के लिए। ये वही टाटरगंज, कंबोद नगर, टिल्ला, उस एरिया को बचाने के लिए। पर हमने कभी जिक्र नहीं किया इन चीजों का, और जो मैं कह रहा हूं कोई कह रहे गलत है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है इसके ऊपर, मुलायम सिंह जी के मीटिंगों का भी रिकॉर्ड है, टीवी का भी रिकॉर्ड है, समय दूरदर्शन होता था, कौन कौन किससे मिला, क्या क्या बोला, हमने जिक्र नहीं किया इन चीजों का। और उसके बाद में जब उनके बंदों से भी काम नहीं चला, तो हमने कार सेवा करी, जो आज बच्चे ट्विटर पे हैं, अपने पिताजी से पूछो, तुमने क्या वीएम सिंह के साथ मिलके पत्थर ढोए थे शारदा नदी के ऊपर, महीना भर हमने वहां पर पत्थर ढोए थे सबने मिलके, मुझे पीलिया हो गया, इलाका पूरा बच गया, और शारदा जी इतिहास में पहली बार 4 किलोमीटर पीछे चले गई थी वापस। टाइम मैगजीन के, न्यूयॉर्क टाइम से रिपोर्टर आए, वॉशिंगटन पोस्ट से आए, सबने बहुत बड़े बड़े लेख लिखे, पर कभी आपको मैंने जिक्र किया इस बात का। मेरा काम है नेकी कर, कुएं में डाल, आगे चल।